कराची से अपडेट करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में झगड़े के दौरान एक शख्स कत्ल और एक जख्मी हो गया। मकतूल तीन बच्चों का बाप था। आपको अपडेट करें कराची से, कोरंगी में झगड़ा हुआ, झगड़े के दौरान एक शख्स कत्ल और एक जख्मी हो गया। मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे सौलत जाफरी से। जी सौलत, बताइएगा झगड़े की क्या वजह सामने आई है? आज बिल्कुल देखें, गुज़श्ता रोज कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 37-2 में सी में आपसी झगड़े के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग के नतीजे में फैजान नामी शख्स जो है वो जहाँ बहाक हुआ, जबकि इब्तदाई तौर पर जो मालूम से दी जा रही है वो रमजीदान से बताया गया है कि इलाके में पहले डकैती की वारदात हुई, फैजान गली में मौजूद था। मुल्जमान को देखते ही फैजान से फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान जो है वो मुल्जमान मौके से फरार हुए। इसी दौरान इसका दोस्त उसके पास आया और झगड़ा बढ़ा, और जिसके बाद फैजान को जो है, फैजान और उसके दोस्त के दरमियान में जो है वो तल कलामी हुई और फैजान को जो है वो गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है। जहां पुलिस ने वाकई का मुकदमा दर्ज करने के लिए दोनों अफराद के जो है वो बयान कलमबंद कर लिए हैं, और इस वक्त जो है वो फैजान की लाश जिला अस्पताल में मौजूद है। जी, झगड़े के दौरान एक शख्स कत्ल और एक जख्मी हो गया। अपडेट कर रहे थे सौलत जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका।